दोस्तों सबसे पहले मैं आज के लाइव सेशन के हाइलाइट्स आपके सामने रखा हूँ। सिर्फ एक या दो मिनट लगेंगे, उसको देखिएगा। हमने निफ्टी के बारे में क्या कहा, बैंक निफ्टी के बारे में क्या कहा और एक्सिस बैंक के बारे में कहा। बाद में देखते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस, तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मार्केट में जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई कंक्रीट लेवल क्रॉस होता हुआ ना दिखाई दे विद गुड वॉल्यूम्स, यू हैव टू सी मार्केट्स वेरी वेरी क्लोजली। एज इन नाउ देखिए, यहाँ पे व्हाट इज अवर सपोर्ट नाउ, क्या सपोर्ट है, लेट मी मार्क दिस सपोर्ट फॉर यू। मार्केट में सेलिंग आएगी इस लेवल के नीचे, ये आपके लिए मार्क कर दिया है। जब तक बाजार इसके ऊपर आपको बाय करना कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 292 का रहेगा। अब आप कहेंगे सर 40 रुपए का स्टॉप लॉस बड़ा है, तो है तो है, कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कहूंगा निफ्टी में अभी आप बाइंग मत कीजिए। सो आई कैन मेक आउट फ्रॉम ऑप्शन चेन दैट इफ निफ्टी कम्स अराउंड दिस 300 लेवल, वेट कीजिए। 292 को अगर ब्रीच करेगा तो एक झटका यहाँ से 100 पॉइंट का निफ्टी का प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ध्यान रखना। 292 को ब्रीच करने के बाद में निफ्टी कैन टेस्ट दिस लेवल, जहां खुली है दिस कुड बी द लेवल, दिस कुड बी द रीटेस्ट लेवल। लेट मी राइट हेयर 17,225। और देखिए सिस्टम जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, 17,200 में दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये हमारे लिए हो गया, इसको सेव कर देते हैं। आज की निफ्टी 29 अप्रैल 36,500। भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से कीप बुकिंग प्रॉफिट्स, बुक प्रॉफिट्स हेयर, जो भी ओवरनाइट आप लेके गए हो, लेट मी मार्क दिस फॉर यू, बुक ओवरनाइट प्रॉफिट्स कह सकते हैं ना। एक बार के लिए करो यार, पार्शियल प्रॉफिट्स तो बुक करो, बुक ओवरनाइट प्रॉफिट्स। ये जोन जो है ओवरनाइट प्रॉफिट्स बुक करने का है, 36,600 से ऊपर में। सो एज ऑफ नाउ इट इज अ प्रेशर, मार्केट शुड रिट्रेस 36,424, ये दिस इज अ रीटेस्ट लेवल। बैंक निफ्टी 36,315 कहाँ है, बैंक निफ्टी खटाक, जेवात, तालियां हो जाए भाई, तालियां हो जाए। सनीर सर, सरकार आज का इंट्राडे का स्टॉक कौन सा है, इंट्राडे का स्टॉक ढूंढे, चलिए इंट्राडे का स्टॉक ढूंढते हैं टॉप गेनर्स एंड लूजर्स में से। एक्सिस बैंक, आज का इंट्राडे का स्टॉक हमारा रहेगा एक्सिस बैंक, 740 के आसपास मिलता है तो एक रिवर्सल के चांसेस हो जाएंगे 740 के आसपास में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त मार्केट रही। कल का लाइव सेशन आपने देखा होगा, कल का लेट नाइट वीडियो भी देखा होगा, आई होप नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे है, अब बहुत टाइम है देखने के लिए कि हमने पिछले पूरे हफ्ते में क्या किया। डेली 9:15 में आपसे मिलता हूँ सुबह, और रात को मिलता हूँ 9:15, बट ये वीडियो शायद आप जल्दी डालने वाला हूँ, फ्राइडे है आपके पास बहुत टाइम हुआ, एंजॉय कीजिए अपने वीकेंड को। बट मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया वो देख लीजिए। ये कुछ लेवल्स मार्क किए मैंने आपको, यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने आपको बहुत ही क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जाइए देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट थी आज के सुबह के लाइव सेशन की, और उसके बाद मैंने आपको एक लेवल मार्क किया था 292 के आसपास, विच वॉज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और वहाँ पे आके बाजार ने एक बार आपको ग्रीन कैंडल दिखाई तो आपको लगा कि हाँ बाजार शायद रुकेगा, वापस से बाजार यहाँ से गिरा। 220 के लेवल को मैंने आपको बताया था कि यहाँ 220 के आसपास का लेवल आना चाहिए, तो 340 से 220 के आसपास की ये जो फॉल थी, 120 पॉइंट के आसपास की फॉल, ये हमने 10:20 से पहले इसको प्रेडिक्ट कर लिया था। 10:30 मैंने लाइव सेशन को एंड किया था, 10:30 के बाद ही किया था आज मैंने, वहाँ इसको बहुत ही क्लियरली प्रेडिक्ट किया था, और मैं उसके बाद चला गया था, मुझे कुछ काम था, और उसके बाद बाजार ने फिर से रीटेस्ट करने की कोशिश की, बट बाजार फेल हुआ 292 को क्रॉस करने के लिए। गाइस दिस इज द पावर ऑफ नंबर्स, नंबर्स को फॉलो कीजिए, ऑप्शन चेन को फॉलो कीजिए, बाजार में फेल नहीं होंगे। अगर मैं मार्केट में आज बैठा होता, आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मुझे बहुत मैसेज आया कि सर मार्केट में आ जाओ, मैं नहीं आ सकता था, बट 292 फेल हुआ, वापस से बाजार गिरा, और एक ही सिंगल कैंडल ने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ। उसके बाद बाजार रुका कहां, वेरी वेरी ग्रेट नंबर, 17,050 के आसपास, फिर से वही 17,030 के आसपास के लेवल, मतलब यही लेवल के आसपास में मार्केट पहले भी घूमी है, वहीं से एक फिर से बाइंग आई, बट इस बार 17,000 का जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। गाइस जैसा 17,000 का सपोर्ट पहले बना हुआ था वो अब थोड़ा सा कमजोरी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया, हालांकि अभी भी सपोर्ट है। मंडे को क्या होगा नहीं कह सकते, मार्केट क्या परफॉर्म करेगी, दो दिन में क्या न्यूज आएगी, क्या बवाल होगा, यू नेवर नो, बट इट वॉज वेरी वेरी क्लियर, अगर अब यहां पर किसी को बाइंग करनी है तो आपको इस लेवल के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना होगा, 17,020 या 17,000 जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उसके लेवल के साथ ही आपको ट्रेड करना होगा। वहां पे भी 17,100 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और 292 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा यहां पे मार्केट को परफॉर्म करने के लिए।
बहुत तगड़ी बाइंग चाहिए, जो अब बाजार में होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो जहां मॉर्निंग तक एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप था वो एक शॉर्ट बिल्डअप में कन्वर्ट हो गया और अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप बनाएगा। इस ऊपर से बहुत तगड़ी पोजिशन से सेल की गई है, तो यहाँ पे हो सकता है 290 to 300 के आसपास का जो लेवल है ये आने वाले दिन के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगली जो तेजी आएगी इसके बाद ही आएगी। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया आज और हमने क्या कहा था और कैसे कहा था। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी एक एम पैटर्न को ही फॉलो किया था। ये नेकलाइन जब ब्रेक हुई इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के दी हुई है आपको, उसको भी आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं, डबल टॉप्स हाउ टू ट्रेड डबल टॉप्स। तो यहाँ पे डबल टॉप ट्रेड करते हुए इस नेकलाइन को बाजार ने जैसे ही ब्रेक किया एक सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे जब 36,700 के आसपास का जो हाई लगा था इसको बाजार ने फील किया। पहले ही हाई टेस्ट हो चुका था, मैंने मॉर्निंग में आपको कहा था कि ऊपर में 36,700 तक 37,000 तक पोजिशन जा सकती है, बट देखना होगा हमारे सामने से जाएंगे ऑप्शन चेन में जो डेटा बनेगा उसके ऊपर हम चेंज होंगे। तो 36,700 तक तो इनएविटेबल था, वो तो क्लियर दिख ही रहा था, बट आई वाज प्रीटी क्लियर कि 36,500 ये मैंने एक सपोर्ट बनाया था आपके लिए कि 36,500 के नीचे सेल ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पोजीशन से आपको बुक प्रॉफिट करना था मॉर्निंग में, यहाँ पे आपको ये भी बुक प्रॉफिट करने के लिए कह दिया गया था। तो 36,500 को तोड़ने के बाद से बाजार फिर से गिरा और वापस 36,000, लुक एट दिस लेवल, 36,000 के आसपास में बाउंस आता है। 36,000 का जो अब एक लेवल है इट इज़ ए साइकोलॉजिकल लेवल गाइस, दो दिन है बहुत रिस्की। आई होप कि आप ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके गए होंगे, अगर लेके गए भी हैं घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह 9:15 पे मंडे को मिलेंगे, देखेंगे बाजार कैसा है कैसा नहीं है। आपको इनिशियली 15 मिनट होल्ड करना है, जो भी पोजीशंस आपकी होंगी हम लाइव एनालिसिस करेंगे और आपको जितना सपोर्ट देने की कोशिश हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट दूंगा गाइस, उसके कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं, आप आइए जरूर एक बार के लिए, देखिए बाजार में हम कैसे पोजीशंस को प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे ऑप्शन चेन हमको एक अच्छा प्राइस देती है। वैसा ही आज हमने एक्सिस बैंक में भी देखा। एक्सिस बैंक में हमने कहा था कि 740 के आसपास आएगा, 738 एक्सपेक्टेड था, बट 740 से बाजार घुमा और आई वाज प्रेडिक्ट किया कि 745 कम से कम 5 रुपए। मतलब इंट्राडे में मुझे किसी ने लाइव सेशन में पूछा कि सर इंट्राडे का स्टॉक दीजिए, एब्रप्टली मैंने टॉप गेनर टॉप लूजर निकाला और उसमें से 740 के आसपास में जब एक्सिस बैंक चल रहा था मैंने कहा 745 जाएगा, 747 गया, 747 के बाद वो स्टॉक गिरा। चलिए देखते हैं एक्सिस बैंक में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बट उससे पहले बैंक निफ्टी में 36,000 के स्टॉप लॉस के साथ में ही आप बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी नई पोजिशन क्या होंगी हम मंडे को देखेंगे, मंडे से पहले इसके बारे में अनुमान लगाना बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, एनीथिंग कैन हैपन। सो लेट अस सी एक्सिस बैंक में क्या रहा, क्या पोजिशन रही और एक्सिस बैंक को अब ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों एक्सिस बैंक का चार्ट यहां से एक्सिस बैंक लगा था गिरा था, एक टॉप लूजर था एक्सिस बैंक, टॉप लूजर ही, दिस वाज़ द पॉइंट 740। देखिए ये 10-20 से पहले की पोजीशंस है जब मैं लाइव सेशन छोड़ के जाने वाला था, मैंने उस लाइव सेशन क्लोज किया था, यहां से मैंने आपको कहा था 745 के तक एग्जैक्टली जाएगा। सो दिस वाज़ द प्राइस जहां पे 747 के आसपास उसने हिट किया। मतलब ये मूव एक गिरे हुए स्टॉक में एग्जैक्टली कौन प्रेडिक्ट कर सकता है। दिस मूव आई कॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन बिकॉज आई वॉज नॉट इन द मार्केट, तो ये मूव को मैं नहीं पकड़ पाया बिल्कुल भी। बट अभी भी जो एक सपोर्ट बनाया है एक्सिस बैंक ने, ये भी एक सपोर्ट ही है और अगर ये मेंटेन होता है नहीं होता है तो मंडे को पता लग गया। बट फिलहाल बाजार कमजोर बन हुआ है, बैंकिंग की तरफ से कमजोरी दिखाई दी है। निफ्टी को बैंक निफ्टी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो बैंकिंग की वजह से ही ये बाजार अच्छे से गिरा है। एक बार के लिए तो बैंक्स में काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला था, बट शायद 11:30 के बाद में सारा सिनेरियो चेंज हो गया और सभी चीज़ें सेल ऑफ की तरफ आई। तो मंडे का बाजार बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप भी आइएगा, अपने दोस्तों को भी लेके आइएगा, 9:15 मिलेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे, देखेंगे आपके स्टॉक्स कहाँ फंसे हुए हैं, डरना मना है। सी यू ऑन मंडे।